हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो ये हमारी गूगल सीट की सीरीज चल रही है। गूगल सीट की पिछली सीरीज में हमने आपके साथ बात की थी डेट कैलकुलेशन, अब हम बात करेंगे आपके साथ टाइम की कैलकुलेशन। तो चलिए हम गूगल ड्राइव को खोले हैं और इसमें से एक एक्सेल सीट को, एक गूगल सीट को, नॉट एक्सेल सीट, गूगल सीट को हम ओपन करेंगे। तो हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ टाइम की कैलकुलेशन के बारे में, डेट की कैलकुलेशन के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे टाइम की कैलकुलेशन में। तो मैं जूम 200% कर देता हूँ ताकि आपको बड़ा दिखे। टाइम देखिए, आपको यहाँ पे टाइम लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे अभी का टाइम है मेरा सुबह के 7:42, तो मैं यहाँ पे 7:42, अगर सेकेंड अंदर सेकेंड लिखिए, अदरवाइज एंटर मारिएगा तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन बाई डिफॉल्ट ये आपका एएम में गया। अगर आपको शाम का 7 बजे या शाम का 8 बजे लिखना है, तब 8 इस तरह से 8 लिख देंगे तो आपका एएम में चला जाएगा। आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पीएम है, तब जाके वो पीएम आएगा। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि जो 24 घंटे का जो रेलवे का शेड्यूल होता है ना, वो भी लेके चल सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें 2:0 और यहाँ पे डालें तो ये आपका ऑटोमेटिकली 8 PM में चला जाता है। अब किसी सिस्टम का टाइम अगर निकालना हो, तो अब ऐसा नहीं कि टाइम का फॉर्मूला है, नहीं, टाइम का फॉर्मूला से सिस्टम का टाइम नहीं निकलेगा। आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा नाव का फॉर्मूला। तो नाव का फॉर्मूला डेट एंड टाइम दोनों देता है यहाँ पे। तो टूडे का फॉर्मूला सिर्फ डेट देता है, लेकिन नाव का फॉर्मूला डेट एंड टाइम दोनों देता है। अब मुझे इसमें से सिर्फ टाइम अलग करने, मुझे सिर्फ जो है टाइम अलग करने, तो कैसे होगा? तो सिर्फ टाइम को अलग करने के लिए हमें यहां पे आवर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि आवर अलग करेगा। मिनट का फॉर्मूला लगेगा, जो कि मिनट को अलग करेगा। जी हाँ, मिनट। और सेकेंड का फॉर्मूला सेकेंड को अलग करेगा। फिर इसको आप यहां पे टाइम फॉर्मूले में कंबाइन कर सकते हैं। हमने यहां पे आवर ले लिया, हमने यहाँ पे मिनट ले लिया और यहाँ पे सेकेंड ले लिया। ये देखिए आपको 7:44:13 AM का आपको यहाँ दिख रहा है। लेकिन एक साथ करना हो तो कैसे करेंगे? तो एक साथ हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला। है कि दो तीन तरीके हैं, फिलहाल मैं बता देता हूँ टाइम का फॉर्मूला। इसमें मैं आवर लगाऊंगा, आवर, आवर के अंदर में हम नाव का फॉर्मूला लगा देंगे। तो नाव का फॉर्मूला क्या किया उसने, आवर, आवर का फॉर्मूला क्या किया, इसमें से आवर अलग कर दिया। इसने आवर अलग कर लिया। फिर यहां पे वापस सेकेंड का फॉर्मूला लगाना, नहीं सेकेंड नहीं, मिनट होगा, मिनट, एम आई मिनट का फॉर्मूला। मिनट, मिनट में भी हम नाव का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर वापस हम कॉमा देंगे और करेंगे सेकेंड का फॉर्मूला। और यहाँ पे सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे और सेकेंड में भी आप नाव का रख दीजिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा, आपको सिर्फ टाइम आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा, जो आपने नाव का फॉर्मूला लगाया है, अगर इसको हम जनरल फॉर्मेट में करते हैं, मतलब इसको नंबर ऑटोमेटिक के जगह पे मैं इसको नंबर फॉर्मेट कर देता हूँ, तो देखिए ये आपका 4453.32, तो 6654563 आपका डेट हो गया, क्योंकि हर नंबर ऑफ डेज में क्या यहाँ पे कंबाइन होता है। उसके बाद .3032 जो है, अगर इसको मैं इसकी डेसिमल प्लेसेस को अगर मैं बढ़ाता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें एक नंबर्स है। तो इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इसी इसमें से माइनस कर दे इंट का फॉर्मूला,
इंट फॉर्मूला का इंट इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि डेसिमल रिमूव कर देता है, तो आपको सिर्फ डेसिमल आएगा। अब इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट की शॉर्टकट से, ये आपका टाइम आ गया। दूसरा एक फॉर्मूला होता है मोड का, मोड के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, एमओडी मोड। मोड में मैंने नाउ का रिजल्ट ले लिया और यहाँ पे वन कर दिया। अब क्या है कि मोड जो है रिमाइंडर निकालता है, जो आप भाग देते हैं ना, डिवाइड करते हैं, उसमें जो भागफल होता है, शेषफल होता है, वो हमारा मोड निकालता है। तो अब हुआ क्या कि किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो शेषफल नहीं आता है, अगर नंबर डेसिमल में है तो शेषफल उसका डेसिमल आता है। तो यहाँ पे शेषफल हमारा जो है 0.324231 आया। अब इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका टाइम आ जाएगा। तो सिर्फ टाइम निकालने की चीज है आपके पास। अब टाइम में एडिशन की बात करते हैं, जैसे कि मैं अभी का टाइम 7:47 हमने लिया हुआ है, मुझे इसमें मान लीजिए कि 10 मिनट जोड़ना है। अब 10 मिनट अगर नंबर फॉर्मेट में है टिकल हो जाएगी, लेकिन टाइम फॉर्मेट में है तो इजिली आप इसको प्लस कर सकते। लेकिन यही अगर आपके पास, अगर जो टाइम है आपका, अगर उसमें मुझे ऐड करना है लेकिन 10 मिनट जो है वो मिनट में नहीं है, नंबर में, तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक्सेल में 1 = 24 आवर होता है। माफ कीजिएगा, बार बार एक्सेल मुझसे निकल जाता है, गूगल सीट में 1 = 24 आवर होते हैं। तो अगर मैं इसमें प्लस डायरेक्टली करूंगा तो क्या होगा, ये 10 × 24, फिर उसका रिजल्ट ऐड करेगा जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम इसमें प्लस करेंगे टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। जी हाँ, टाइम फॉर्मूले के अंदर में 0 आवर 10 मिनट एंड 0 सेकेंड करके एंट्री मारेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 5:57। तो ये आपका एडिशन हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिफरेंस का, कि सुबह मैं 9 बजे ऑफिस गया और शाम में मैं यहाँ से 6 बजे ऑफिस से निकला, तो मैं कितना टाइम काम किया, तो 6 तो AM हो गया, मुझे इसको PM करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट डे टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम, ये आपका रिजल्ट 9 घंटा हो गया। अब बात आती है कि मैं आज, आज तारीख है हमारा 2/1, यहाँ पे स्लैश या 22, और सुबह के दोपहर के हम 2 बजे ऑफिस गए, और फिर मैं यहाँ पे 3/1/22 8 बजे रात को वापस आया। नहीं, 8 नहीं, हम एक काम करते हैं, 1 बजे या 2 बजे कर लीजिए, दो नहीं 3 कर लेता हूँ मैं, 3 बजे वापस आया, 3 बजे भोर में वापस आया। तो कितना देर काम किया, तो सर आपको इस तरह से डेट लिखा होगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि आप इसमें से 3 और -4 नहीं कर सकते, आपको डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखना होगा या फिर प्लस कर दीजिए, ये आपके सामने आएगा। यहां भी आप डेट एंड टाइम को प्लस कर लीजिए। अब मैं लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट टाइम पे क्लिक करूंगा, 27 आ गया। अब माफ कीजिएगा, इसमें जो है वो है पहले डेट मंथ, सॉरी मंथ, फिर डेट, फिर ईयर, और यहां भी सेम, पहले मंथ फिर डेट, फिर ये 22 हो जाएगा, यहाँ पे भी 22 होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया। अब इसको आप टाइम फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट पे जाएं और टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। अब टाइम फॉर्मेट में यहाँ ड्यूरेशन में टाइम दीजिएगा तो MPM आ जाएगा, ड्यूरेशन क्लिक कीजिएगा तो ये आपको 13 घंटा हमारी जॉब। तो इस तरह से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई,
इसको अच्छे से एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत होगा मुझे कॉल कर लीजिएगा, और पूरी सीरीज वाली वीडियो चाहिए तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे मेरा ऐप मिल जाएगा या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक्सेल इमेज ट्रेनिंग सर्च करेंगे मेरा ऐप आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईओएस का भी लिंक डाला हुआ है, तो प्लीज डाउनलोड कीजिए, जहां पे सारे कोर्सेज की वीडियोज आपको मिलेंगे। थैंक यू।